हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल अंजू जादन। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट कम है और ऐसा सोचते हैं कि मैं ऐसा बिजनेस करूं जो मेरे गांव क्षेत्र में ही प्रोडक्ट बने और वहीं पर सेल हो जाए, या आप सिटी में रह रहे हैं तो वहीं पर आपका माल पूरा सेल हो जाए, तो जी हाँ, बिल्कुल आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। आज मैं आपको ऐसा बिजनेस बताऊँगी जिसमें लागत कॉस्ट आपकी 15-16 हज़ार के करीब लगेगी, और जैसे ही आप उस बिज़नेस को बढ़ाते हैं तो आपकी कॉस्टिंग बढ़ाते जाएं और आपकी अर्निंग भी बढ़ती जाएगी, तो बिज़नेस बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। तो अगर आप फ्रेंड्स आपने पहली बार अगर वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके और इसको अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो वाकई में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें ऐसे ऐसे प्रोडक्ट, ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाऊँगी मैं जिनकी नीड डे टू डे बढ़ती जा रही है, और डायरेक्ट मैं आज आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर लेके आ रही हूँ किस तरह से इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो आपने शायद ही अब तक बनते हुए नहीं देखे होंगे। तो यहाँ से आपको बिल्कुल कम कॉस्ट में ये सारे प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे जो बाउंड्री वगैरह की जाती हैंगी, तो वहाँ पर मोस्टली लोग अब इजीली और बहुत जल्दी जो लगाते हैं बाउंड्री बॉल में इसका यूज किया जाता है, और यहाँ जिससे कॉस्टिंग भी कम होती है। और यहाँ पे आप देखिए ये पिलर वगैरह होते हैं तो वो यहाँ पर बन रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये बाउंड्री की दीवार है और ये उसके पिलर हैं, इन दोनों को मिला के बाउंड्री वॉल तैयार हो जाती है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं चैम्बर के ये ढक्कन है, गोल में भी हैं, चौकोर में भी हैं, तो इनको भी आप बना के मार्केट में सेल कर सकते हो। यहाँ पर गमले वगैरह हैं, इनकी भी डाई वगैरह, यानी सभी कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और इन सारी चीज़ों में सिर्फ एक मशीन लगेगी, वो है ये टेबल। आप ये टेबल देख रहे हैं, ये टेबल, इसकी मजबूती देखिए आप, और इसमें जो लोहा लगा हुआ है वो भी बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। बाकी इस टेबल को आप कहीं भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इस टाइप को कोई भी काम करना चाहते हैं, मोल्ड परचेज करना चाहते हैं, ये पेपर ब्लॉक वगैरह इस टाइप के कोई भी मोल्ड लेना चाहते हैं, वो सारे आपको यहीं से मिलेंगे। और इस टाइप की आप देखिए डाई वगैरह रखी हुई है, मैं वीडियो में सभी कुछ बताऊंगी आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बन रही हैं, क्या क्या मिल सकता है, इवन यहाँ पर सारी प्रोसेस मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो कुल मिला के आपको क्या लेना है, एक ये टेबल, एक ये छोटी सी मशीन और थोड़े से मोल्ड, बस इतने में ही आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। और इस बिजनेस को लगाने के बाद में आप कभी नहीं सोचोगे कि मुझे दूसरा बिजनेस करना है, क्योंकि ये वाकई में सक्सेसफुल बिजनेस है। जो लोग इसको कर रहे हैं वो कभी भी फेल नहीं हुए हैं, उनका बिजनेस डे टू डे बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे आप देखिए, आपने पार्क वगैरह देखे होंगे, पार्क में चेयर वगैरह लगी होती हैं, तो वो चेयर इसी टाइप से बनाई जाती हैं। आप यहाँ पे इसके मोल्ड देख सकते हैं, तो इनको बनाकर आपके जो गांव के सरपंच वगैरह होते हैं उनसे आप कांटेक्ट करें तो उनको भी आप सेल कर सकते हैं। तो डे टू डे इनकी डिमांड भी बढ़ रही है। यहाँ पर देखिए बेंच की, तो रेलवे में, गार्डन में, हर जगह इस टाइप की बेंचें लगाई जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से अवेलेबल हो जाएंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग डिज़ाइन की, देखो वेंटिलेशन की जालियाँ हैं, छोटी भी हैं, बड़ी भी हैं, और ये आप इनको कस्टमाइज भी करवा सकते हैं साइज के अकॉर्डिंग, जितना बड़ा आप साइज लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। और रेलिंग वगैरह के, ये देखिए रेलिंग वगैरह के ये पिलर हैं, अलग अलग डिज़ाइने हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पर मिलने वाली हैं। तो कुल मिला के फ्रेंड्स, मैं अथेंटिक जगह पर आई हूँ, यहाँ पर जो आपको माल दिखाया जाएगा वही मिलेगा, आप खुद बनते हुए देख सकते हैं और यहाँ से परचेज करके ले जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ना कि ट्रेडिंग हो रही है। तो सर, ये सारी चीज़ें बनती कैसे हैं, तो वो आप हमें जी बिल्कुल मैं दिखाता हूँ। ये हमारे पास में एक टेबल है जिसका साइज 3 फीट बाई 6 फीट का होता है। इस टेबल के ऊपर में मोल्ड्स वाइब्रेट करके बनाए जाते हैं जी। जो मोल्ड होता है जी, उससे जो पीस निकलेगा वो सीमेंटेड पीस कुछ इस शेप में निकलेगा। इसका बेनिफिट ये है कि हम इसको कहीं पर भी अनइंस्टॉल करके, एक बार इंस्टॉल करने के बाद में इस प्रकार से अनइंस्टॉल हो जाएगा। ये डमी है, छोटा है, मैं आपको इसका एक्चुअल दिखाऊंगा क्या होता है। तो इस प्रकार से इंस्टॉल हो जाएगा इजिली जी। ये बाउंड्री बॉल का, कंपाउंड वॉल का। बाउंड्री बॉल सर हर जगह पे आजकल इनका यूज बहुत ज्यादा हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कुछ नए बिजनेस आइडिया में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मेक इन इंडिया और हैव अ नाइस डे।